ट्रिगर दबाया और खेल खलास। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस तरह के बैड बॉय एटीट्यूड स्टेटस आप भी बना सकते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से। मैं हूं आपका दोस्त संजीत कुमार गौतम और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सीने संजीत पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, 9:16 का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कीजिएगा। रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पर जाइएगा और मीडिया पर जाने के बाद कुछ टैम्पलेट एंड वीडियोज हैं जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो बनाने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप ये वाला टैम्पलेट सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप जितना बड़ा अपना वीडियो बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसको कर लेंगे। उसके बाद करना क्या है आपको कि दोबारा इसको सेलेक्ट करना है, पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद एंड पोजीशन को भी आपको सेम रखना है। उसके बाद पुनः लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको ए वाला टेम्पलेट लेना है और इसको भी आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है, और बड़ा करने के बाद इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद इसको फुल वीडियो तक आपको कर देना है। फुल वीडियो तक करने के बाद करना क्या है आपको कि इसमें एक साउंड इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए आपको ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद आप ए वाला साउंड लगाइएगा, उसके बाद सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद प्लस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका साउंड इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है आपको कि साउंड के हिसाब से ही आपको अपना वीडियो एडिट करना है। तो अब लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको बैड बॉय वाला पीएनजी लेना है और उसको आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेना है और इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको इस पीएनजी को फुल वीडियो तक नहीं करना है, आपको इसको 5-6 सेकेंड के आसपास तक करना है। आप एक बार ऑडियो अच्छे से सुन लीजिएगा तो आपको वीडियो एडिट करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद करना क्या है आपको, इसको ओके करना है, लेयर पे जाना है, उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। VHS रिवाइंड नाम का इफेक्ट है जिसको कि आपको लगाना है, और अगर आपके काइनमास्टर में नहीं है तो गेट मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको इस तरह से ओके कीजिएगा और ओके करने के बाद इसको आप इस तरह से फुल वीडियो तक लगा लीजिएगा। लगाने के बाद करना क्या है आपको कि इसको ओके करिएगा और जितना बड़ा आप अपना पीएनजी बैड बॉय वाला लगाए थे उतना बड़ा तक इसको कर देना है। दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको स्प्लिट एट प्लेहेड कर देना है। इस तरह से इसको 4-5 बार स्प्लिट एट प्लेहेड कर देंगे तो इस तरह से हो गया। अब करना क्या है आपको कि एक छोड़कर आपको डिलीट करना है, तो एक डिलीट करते हैं इस तरह से, एक डिलीट करेंगे, एक को छोड़ देंगे, दोबारा एक डिलीट करेंगे, इस तरह से एक और कर देंगे। अब करना क्या है आपको कि ये जो आपको दिख रहा है तो इसको आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लेना है ताकि आपको वीडियो में इफेक्ट अच्छे से आए। उसके बाद करना क्या है आपको कि जहाँ पे ये इफेक्ट आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपको इमेज लगाना है। तो लेयर पे जाइएगा, मीडिया पे जाइएगा। मीडिया पे जाने के बाद आप इमेज लीजिएगा जिसका कि बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, और इस इमेज को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लीजिएगा। और करने के बाद करना क्या है आपको कि इस तरह से यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद करना क्या है कि इसको जो बचा हुआ पार्ट है उसको फुल वीडियो तक आपको कर लेना है, और इन एनिमेशन पे जाना है और इन एनिमेशन में आपको इसका ड्रॉप लगा देना है। इसके बाद इसको ओके कर देना है। दोबारा इस इमेज को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसका डुप्लीकेट बना लेना है, और ये जो डुप्लीकेट जिस इमेज का बना है ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दोबारा इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद करना क्या है आपको कि ये जो आपको जो इमेज दिख रहा है इसको इस तरह से आपको नीचे कर लेना है, और नीचे करने के बाद इसका ओपेसिटी आपको कम करना है, तो अल्फा ओपेसिटी पे क्लिक करना है और इसका ओपेसिटी आपको इस तरह से कम कर लेना है। इसके बाद इसको ओके कर देना है, और जिसका आप ओपेसिटी कम किए थे उसका भी इन एनिमेशन लगाना है, तो आपको बहुत सारा इसमें एनिमेशन मिल जाएगा, तो आप कोई भी एनिमेशन आप लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसका पॉप अप एनिमेशन लगाएंगे, तो इसके बाद इसको
ओके कर देंगे। अब करना क्या है आपको कि इस तरह से आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और जहाँ पे आपका ये इमेज रुक जाएगा वहाँ से आप लेयर पे जाइएगा, मीडिया पे जाइएगा, और मीडिया पे जाने के बाद एक टेम्पलेट वीडियो है क्राउन वाला जिसको कि आपको यूज करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाके इसको स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप छोटा बड़ा कर लीजिएगा, और छोटा बड़ा करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर लेना है, और टिल्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे इसको आपको लगा देना है। और लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है उसको कैंची वाले निशान पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट एट ऑफ प्लेहेड कर देना है। इसके बाद इसको ओके कर देना है। अब करना क्या है आपको कि ये वीडियो आपको लगभग बनकर तैयार है दोस्तों, तो इसमें एक और हम कलर इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए आपको लेयर पर जाइएगा, मीडिया पर जाइएगा, मीडिया पर जाने के बाद आप ये वाला कलर इफेक्ट का वीडियो आप लगाइएगा, और उसके बाद ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। और फुल स्क्रीन करने के बाद दोबारा आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाइएगा और इसको स्क्रीन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बनकर तैयार है, तो एक बार इसको हम प्ले कर लेते हैं कि यह वीडियो हमारा जो है वो कैसा बना है। तो ये देखिए हमारा वीडियो बनकर तैयार है दोस्तों। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, और रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।